पैसों का नुकसान भी हुआ और तो और संकट के समय में उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से भारतीय रिजर्व बैंक के उपक्रम स्वधार संस्था के द्वारा जुमडीहा पंचायत के ग्राम गम्हरिया टाण में बैंकिंग से जुड़े विषयों को लेकर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जहां जयश्री गुप्ता के द्वारा हुआ, वहीं इस कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि अमनदीप गुप्ता और गणमान्य जन का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि स्वधार फिनेक्सेस के माध्यम से स्वाधार मेला का आयोजन झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया टाण गांव से इस स्वाधार मेले का शुभारंभ किया जा रहा है और ये झारखंड के अनेक ज़िलों में लगाया जाएगा। विशेषकर महिलाओं के बीच आर्थिक शिक्षा की जानकारी दी गई, जिसमें महिलाओं में बचत, बीमा और बैंक से जुड़े सभी योजनाओं की जानकारी एक छत के नीचे दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। शिक्षा मित्र ने कहा कि उपरोक्त योजनाएं 4 से 5 सालों से चल रही हैं, लेकिन आज भी ग्रामीणों को जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए जिससे आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके लिए मैं अमनदीप और स्वधार फिनेक्सेस को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। अपने संबोधन में प्रशिक्षक जयश्री गुप्ता ने बताया कि विशेषकर कम आय वाले परिवार और सूक्ष्म उद्यमों, विशेष रूप से महिलाओं के साथ काम करने के लिए वित्तीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए बचत, बीमा और ऋण तक पहुँच की सुविधा के लिए सहायता करना और भारत के ग्रामीणों की आर्थिक शिक्षा देकर जागरूक कर सशक्त भारत की सशक्त गाँव की नींव रखना कर्तव्य है। अमनदीप गुप्ता ने कहा कि भारत में वित्तीय समावेशन का चेहरा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लोग बैंक से जुड़ रहे हैं और आज डिजिटल बैंकिंग का लाभ ले रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा है। कम समय में ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का काम हो रहा है, लेकिन डिजिटल वित्तीय सेवा के प्रसार के साथ धोखाधड़ी और शोषण भी बढ़ा है, जहां सतर्क और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल वित्तीय साक्षरता शहरी के साथ साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। पैसों का नुकसान भी हुआ और तो और संकट के समय में उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो वहीं शांता ने अपने बेटे को डेबिट कार्ड दे रखा था और इसकी मदद से उन दोनों की जिंदगी बहुत आसान बन गई। क्या आपको पता है डेबिट कार्ड क्या है? ये देखिए, ये होता है डेबिट कार्ड। जब हम बैंक में बचत खाता खोलते हैं तो उस वक्त हमें बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड मिलता है। इस कार्ड के ऊपर कुछ जानकारी रहती है, जैसे कि कार्ड का नंबर, खाता धारक का नाम, कार्ड की समाप्ति की तारीख इत्यादि इत्यादि। कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक नंबर लिखा होता है, उसे कहते हैं CVV नंबर। जब हम ऑनलाइन व्यवहार करते हैं उस वक्त CVV नंबर की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि ये डेबिट कार्ड हमारी कब कब मदद कर सकता है। कंपनी ने ATM से 500 रुपए निकाले और अपनी किताबें खरीदी। लक्ष्मी देखती ही रह गई कि कंपनी ने इतनी आसानी से पैसे निकाले और खरीदारी कर ली। शिवा ने अपनी दुकान के लिए बाजार से कई सारे कपड़े खरीदे, लेकिन जितने रुपए घर से लाया था वो कम पड़ गए। उसने डेबिट कार्ड की मदद से तुरंत ATM में जाकर पैसे निकाली और सारा सामान खरीद लिया। शिवा की पत्नी अपने पति की तरफ आश्चर्य से देखती ही रह गई। आकाश शहर गया हुआ था तो बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास ज्यादा नकद नहीं था। उसने अपना डेबिट कार्ड एक पॉस मशीन में डालकर उस दुकान से कपड़े और खिलौने खरीद लिए। बच्चे कपड़े और खिलौने देखकर बहुत बहुत मामी ने ATM में अपना डेबिट कार्ड डालकर अपने बैंक का स्टेटमेंट देख लिया और इससे उसे मालूम पड़ा कि उसके खाते में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या व्यवहार हुआ है। अब उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। मानी के सास को तो ये चमत्कार ही लगा। संजय हमेशा अपनी टच स्क्रीन मोबाइल से रिचार्ज करता है, बिजली का बिल भरता है। डेबिट कार्ड होने की वजह से वो मोबाइल बैंकिंग की सेवा का पूरा लाभ ले रहा है। उसके दोस्त विजय और अजय को इस वजह से हर बार बहुत आश्चर्य होता है। इसका मतलब ये है कि एक डेबिट कार्ड होने से कई सारे फायदे होते हैं। हमारी जिंदगी बहुत आसान बन जाती है, कहीं भी आने जाने में खराब होने वाला समय भी बचता है और खर्च बचता है। और सबसे जरूरी, आपातकाल के समय में हमारे पैसे हमारे ही काम आते हैं। लेकिन याद रखिए, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि डेबिट कार्ड को हमेशा संभाल कर रखना है, डेबिट कार्ड को बच्चों को खेलने नहीं देना है, अपने कार्ड का पिन नंबर किसी को भी नहीं बताना है, वो उसकी मदद से हमारे खाते से पैसे निकाल सकता है, किसी को भी अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है। और यदि कभी डेबिट कार्ड आपसे कहीं खो जाए तो तुरंत अपने बैंक में फोन करके या बैंक में जाकर उसे बंद करवा दें। इस तरह सावधानी से अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और आसान बनाएं।